करो हर सुबह हर शाम हर घूंट वाइटल के नाम, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अगर हुकूमत वक्त ने बात नहीं मानी इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़ा एहतजाज होगा प्रेस क्लब पर, और उसके अंदर इंशाल्लाह कराची के तमाम असातदा एक मुश्त साफी है। इसके अलावा चौथा मुस्ताद और जब तक मुस्ताद और जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अख्तर नवाज़, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची। आज का जो हमारा एहतजाज था माशाल्लाह ये कामयाब था। अभी कुछ सवालों के जवाब मैं मीडिया के रेफरेंस से दूंगा। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि ये हमारे भाई इस गर्मी में आए, इन्होंने वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की और हमारी रहनुमाई की। इनके तवसुस से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे ये जो जायज़ मुतालबात हैं इनको मंजूर किया जाए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का चार्ज वज़ीर आला सिंध के पास है। वो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो मिनिस्टर सीएम भी हैं और मिनिस्टर फाइनेंस भी हैं, ये दोनों चार्ज जो हैं उनके पास हैं। ये 22 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी किया है इस पर नज़रसानी करें और इसको फौरी तौर पर कैंसिल करें, एक मुतालबा। दूसरी बात ये है कि अभी मीडिया के हमारे भाई ने पूछा है कि कितने मलाजम आपके जो हैं जिनकी रिकवरी हो रही है, तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि 29 अज़ला में 16,900 के करीब हैं, 16,900 के करीब हैं। 2001, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 तक ये 16,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मलाजमीन जो थे उनकी ये रिकवरी है। ये पूरे सिंध का मसला है, तमाम अज़ला का मसला है, ये एक कराची का नहीं पूरे सिंध का मसला है और तमाम असातज़ा का मसला है। तो इनकी वजह से हम सब असातज़ा आज जमा हुए और आज हल्का सा प्रोग्राम था, इतना बड़ा तो नहीं था। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे इस मुतालबात पे गौर नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया, तो इंशाल्लाह इसी को हम पूरे सिंध में इसका दायरा वसी करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे, प्रेस क्लब में भी जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मुतालबो था क्यों तो जबरी जो फिनांस सिंध डिपार्टमेंट का जो जबरी लेटर दिता फौरी तौर से उनके खत्म किया वे। एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और इस प्लेटफॉर्म के तहत उस्तादों के हर मसाइल हल होंगे, इसमें हमारा गस्टा भी हमारे साथ होगा। हम तमाम